कैनल में लगाने को और पेड़ पौधे लेकर आता हूँ, थोड़े दिन बाद देखना एक नंबर का कैनल बन जाएगा। और गाइस अपने रेड किंग का एक कान बिल्कुल खड़ा हो गया हमारे बड़े वाले रेड किंग की तरह। लो भाई आगे सामने से करंट में सिम्बा पीछे हट जा, इसे एक काम कर थोड़ी आगे लेकर चला जा, क्या पता बच जा। थोड़ी देर पहले भाई सीन बन गया था, रोक्सी के ऊपर एक बाइक चढ़ गई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग कैनल। और गाइस पीछे देखो डॉग्स की पेंटिंग का काम आज फिर से शुरू हो गया, 4-5 साल के बाद आए दिवाली से बाद में आज आए, इतने दिन की छुट्टी मार दी। हाँ जी मिस्त्री साहब कुछ बहाना देना चाहोगे? दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बन जाएगा। हाँ आज हो जाएगी, वैसे भाई मुझे लगता तो नहीं आज हो जाएगी, बट भाई कह रहे तो देखते हैं शाम तक। और गाइस अंदर ये लेट लगा रहे सारे डॉग्स, ये रहा हमारा रोकू, ये रही हमारी कोको रानी, इसके पीछे भी है कोई सा, यहाँ कोई नहीं है, ये रही हमारी मिंकी। और गाइस आज से मैंने इसका नाम रख दिया चिंकी, चिंकी भी बिल्कुल सेम थी ना, इसका नाम मैंने चिंकी रख दिया। कुछ भाई मुझे मिंकी से ज्यादा चिंकी बोलने की आदत है। और गाइस ये बैठी अपनी जोरा रानी, जोरा की बच्ची कहाँ छुप रही, ये बैठी। सिम्बा सारे डॉग्स में सबसे जल्दी उठता, सिम्बा चुहिया पकड़ रहा होगा, यहाँ पर सारे दिन देखे जावे चुहिया पकड़ता रहे। और गाइस कमेंट करके बताना कैसी लग रही, वैसे तो भाई अभी तक काम हुआ नहीं कंप्लीट, अभी आए थोड़ी देर पहले मिस्त्री, शाम को दिखाऊंगा। बट भाई एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी, रोक्सी की बच्ची सारे मेरे को पंजे मार दे, ये सारे के सारे पंजे रोक्सी ने मार रखे, एक तो बिल्कुल मेरे फेस के नीचे ही मार दिया, यो मार रखा। पीछे गन्ने के खेत है ना, गन्ने के खेत भी बिल्कुल सेम सेम ऐसे बन जाएंगे। अच्छा रोक अंदर से बाहर आ गया, बैठ के यहाँ पे पेंटिंग देख रहा, सामने पेंटिंग बन रही ना, बढ़िया लग रही है रोकू, मोना चट्टा मेरा नो पता बढ़िया लग रही है। और गाइस मैं सोच रहा अपने कैनल में लगाने को और पेड़ पौधे लेकर आता हूँ, सारे काम धीरे धीरे हो गए, थोड़े दिन बाद देखना एक नंबर का कैनल बन जाएगा। तो गाइस आगे फाइनली सारे मेरे को हरियाली हरियाली है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, एक और बीच में ग्रीन कौन है। और गाइस ये देखो कितना टॉप का सिस्टम मिला, हाथ लगाते ही ये बिल्कुल बुझ गए, क्या नाम है भाई इसका, छुई मुई, अरे वाह छूते ही बुझ जा, ये देखना भाई कैसे हो जाएगा पत्ते इसके, इसके साथ तो कोको वाले पप्पीज खेला करेंगे। बट भाई इतने सारे पेड़ देख कर समझ नहीं आ रहा कौन से वाला लेकर जावे कौन से वाला ना लेकर जावे, वैसे तो भाई सारे बढ़िया लग रहे बट भाई ये वाले कुछ ज्यादा बढ़िया लग रहे। देखना भाई कितना टॉप लग रहा, कितना बड़ा फूल है भाई, कौन सी ब्रीड है इसकी, नस्ल कौन सी इसकी, डेलिया, छोटी पौध भी है इनकी, अच्छा छोटी पौध ले होंगे, बड़ा तो ले जाने में क्या पता घर तक टूटी जा, छोटे वाले लेते हैं। कितने दिन में आ जाएंगे पे फूल, महीने 20 दिन में तो आ जाएंगे। तो गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर में मिल गए, क्या नाम है तेरा भाई, रस्ते में खाने पीने के लिए रुके थे घूम घूम के, भूख लग गई। और गाइस बाइक पलाने के चक्कर में पत्ते वत्ते सब टूट गए, ये देखना भाई, बट भाई चलो कोई नहीं पत्ते तो आ जाएंगे। वैसे भाई पेड़ तो ये वाले भी बढ़िया लग रहे, वहाँ पर मैं ऐसे दिखे नहीं वरना ये भी लेकर आते। A few inches later. तो गाइस आके फाइनली घर पे पेड़ पौधे लेके, और गाइस पेंटिंग का काम आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, कल को होगा। और गाइस सामने बैठा अपना रेड किंग चीता, ये रब ब्लैक किंग, रेड क्वीन को शायद अंदर कर रखा। और गाइस अपने रेड किंग का एक कान बिल्कुल खड़ा हो गया हमारे बड़े वाले रेड किंग की तरह, और थोड़े बहुत दिन में दूसरा कान भी हो जाएगा खड़ा। अब भाई एक बार पेड़ पौधे लगाता हूँ फिर इन्हें घुमाने लेकर जाऊंगा, आज सिम्बा को लेकर जाऊंगा। तो गाइस अभी फाइनली एक पेड़ तो लग गया, अब भाई एक कर गए सारे के सारे बीच में लगा दूंगा ऐसे वाले। अब भाई बस इंतजार है कभी इस पर फूल आऊगा, बहुत ही बड़ा फूल आऊगा इस पे, इतना बड़ा। अच्छा अब भाई अपने सिम्बा को लेकर चलता हूँ खेत में, और इस पर सिम्बा सिम्बा को इसलिए लेकर जा रहा, सिम्बा और रोक एक साथ काबू नहीं आते। और गाइस सिम्बा को बाहर निकालते ही रोक से हमेशा की तरह परेशान करने लगी, रोक से मान जा पीछे से चिंकी भोकरी, कह रही चिंकी मैं भी चलूं, बट भाई आज इन्हें तीनों को लेकर चलता हूँ, इन्हें तीनों को ले जाना मुश्किल हो रहा। थोड़ी देर पहले भाई सीन बन गया था, रोक्सी के ऊपर एक बाइक चढ़ गई, बट भाई एकदम से उठका भाग गई, जैसे टक्कर लगी इसका उठका भाग गई। ल रोक्सी आ जा, रोक्सी आने की भी तो नहीं, आ जा रोक्सी आ जा, एकदम से डर सी गई थी, आ जा रोक्सी। वैसे तो भाई देख कर लगता नहीं इसका कहीं पर चोट वोट लग रही हो, रोक्सी दिखाइए। बाइक वाला टक्कर मारते तुरंत भाग गया, उसमें मैंने आवाज भी लगाई, भाग गया टक्कर मार के, बस भाई है कि जान बच गई, वरना भाई एक बार को लगा था सीन बन गया कैडे वाला। कुछ भाई रोक्सी को अपने साथ लाता हुआ इसीलिए डरू मैं, इन्हें तो सभी को बांध भी लूं, बट भाई रोक्सी को बांधने की आदत नहीं है। तो गाइस अभी अपना छोटा पैकेट भी मिल गया, और ये भी पिटी वाली फीमेल भी मिलेगी, इसकी सिम्बा के साथ तो बजने की नहीं बट भाई रोक्सी के साथ बज सके। छोटे पैकेट को पहले बहुत ही आराम से मिलवा के देखेंगे, इनका एग्रेशन वैग्रेशन नहीं करवाते, वैसे तो भाई इसका ध्यान नहीं है इसके ऊपर। लो भाई आगे सामने से करंट में सिम्बा पीछे हट जा, गुस्से में आगे वह गुस्से में आगे, इसे एक काम कर थोड़ी आगे लेकर चला जा, क्या पता बच जा। रोक्सी के साथ भी बज गई होती, अगर उसने किसी एक के ऊपर अटैक कर दिया सारे के सारे मिलकर काम तमाम कर देंगे, 6-7 हो गए ना खत्म। देखना भाई पूरी रोड पर डॉग्स ही डॉग्स हो गए, बट भाई नमस है बस एक उसी के साथ खतरा है, और बाकी कोई आपस में कुछ नहीं करते। लो भाई छोटे पैकेट को भी खुला छोड़ दिया, रोक्सी के साथ ले रहा पंगे, रोक्सी के पास ना जावे ऐसी है वो बुड़का भर लगी, रोक्सी को पूरा परेशान कर दिया, बट भाई रोक्सी किसी को भाव नहीं देती। देखना भाई इसके ना करे, रोक्सी किसी के साथ तो खेल ले कर नहीं, यानी भाई किसी के साथ खेलती ना भाई, मन आज तक रोक्सी को किसी के साथ खेलते हुए देखा, रोक्सी के अंदर पूरा एटीट्यूड है, यानी भाई किसी के साथ दोस्ती वोस्ती कुछ भी करती। जोरा रोक्सी के आगे पीछे सारे दिन घूमे जावे कि दोस्ती कर ले, बट भैया जोरा के साथ भी नहीं करती। और गाइस सामने सिम्बा को देखो, चिंटू को आगे ध्यान दे रहा, सिम्बा ओए सिम्बा क्या हो गया, सारा का सारा ध्यान चिंटू के ऊपर ही है, क्या हो गया चिंटू को नहीं भाई थोड़ा भी आगे आने दे रहे हो, अरे रहने दे जान दे ओए सिम्बा, वो भगा दिया।
वैसे तो भाई मजाक मस्ती कर रहा, कोई सीरियस वाला पंगा नहीं है ना का। अरे कहाँ भाग गया? गया सिम्बा, देख चिंटू आ लिया पीछे से, चिंटू आ लिया, चिंटू देखो आ लिया। अब भाई फिर से भगा खा होगा उसे, पता नहीं भाई कौन सी दुश्मनी हो रही इसकी, हो जा लिया फिर से उसके पीछे। और गाइस आजकल मेरे सारे डॉग्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रेसी चढ़ रही, लग रहा मुझे कभी कुछ हो जा किसी का, कभी कुछ हो जा। आज भाई रोक्सी है, मान लो मरती मरती बच गई बेचारी। रोक्सी को आज के बाद खुला नहीं लाया करूं। और गाइस सिम्बा का बच्चा पता नहीं कहां जा लिया। ओए सिम्बा, डॉग्स के भौंकने की तो आवाज आ रही, बट भाई सिम्बा के लगड़बड़ करने का नहीं। जब आकर देखा कहां जा लिया सिम्बा, पता नहीं भाई कहाँ जा लिया, काफी देर होगी। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं करा, आवाज लगाने पर भी ना आया वो। जब पोवे देख कहाँ वो अभी जा लिया, भागा भागा। मिल गया मिल गया, देखना भाई कहाँ को है, निकल गए इस साइड से, आया निकल गया, गया इस साइड को था, आया कहाँ को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल गया। एक बार को टेंशन होगी थी मुझे, लगा पता नहीं कहाँ जा लिया। आजकल मेरे डॉग्स के ऊपर वैसे की रैसी चढ़ रही। सिम्बा के बच्चे यहाँ को आ जा, उसके पीछे ना जाइए, चिंटू है वो लेकर उड़ जाएगा। बट भाई सिम्बा कहाँ मानने वाला, ओए चिंटू टक्कर मार दी चिंटू का जाके। पता नहीं भाई दिख रहे होंगे अच्छे से या फिर नहीं, रात होगी ना, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जा। फाइनली आ गया अपना सिम्बा घूम फिर के, वरना भाई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। पकड़ लो इसे, पकड़ लो। लो भाई सिम्बा को पकड़ लिया, बस अपना छोड़िए इसे। और गाइस सामने पोवे को दाब लिया, आई मीन ब्लैक डॉग अर्जेंटिनो को दाब लिया। क्या हो गया? और ब्लैक डॉग अर्जेंटिनो लोक लगा दे, इसके लोक लगा दे, दोनों के दोनों लोटपोट हो रहे। पीछे तो रोक्सी भी हाली बुड़का भर लगी, पोवे बुड़का भरवाओ, रोक्सी पे भरवाओगे, चल एक ही भरेगी बस। हट जा भाई हट जा, छोड़ दो से, लोक मार देगा नहीं तो तेरे, लोक लगाना नहीं आता तेरे पे, आता नहीं, झूठू बोल रहा है, फिर कैसा डॉग अर्जेंटिनो है तू। ओए आको तो देख पाओ एक बार, अरे आको तो देख ले एक बार, अरे एक बार देख तो ले। ओए आए हाय, रोक्सी की छोटे पैकेट के साथ दोस्ती हो ही गई, छोटे पैकेट ना मना ही लिया रोक्सी को, अभी इसको पर एग्रेशन नहीं कर रही। अरे मान जाओ चोट लग जाएगी। ओए सिम्बा जा घर चलेंगे। सिम्बा फिर से भाग गया चिंटू के पास, पता नहीं आज चिंटू के साथ क्या दुश्मनी हो रही इसकी, बार बार जाकर चिंटू को दाब ले। सिम्बा का भी सारा ध्यान पीछे को ही है चिंटू की तरफ को। सिम्बा के बच्चे आजा घर चलिए, आजा आजा, बहुत देर खेल कूद लिया। छोटा पैकेट बार बार परेशान हो रहा सिम्बा के साथ खेलने को, घर पर तो सारे दिन खेला कर था, बट भाई आज सिम्बा ना थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, गजब बेइज्जती है। तो गाइस आके फाइनली घर पे, और गाइस डॉग्स वाली पेंटिंग आज कंप्लीट नहीं हुई, कल होगी कंप्लीट, कल ही दिखाऊंगा। और गाइस ये घूम रहा अपना रोकू चीता, अब भाई एक एक करके सभी को खाना वाना खिलाता हूँ। और गाइस इनकी पेंटिंग देख का पूरा जी लग जाएगा, बैकग्राउंड भी एक नंबर का बन गया, पीछे बैकग्राउंड में जितने भी गन्ने के खेत वगैरह थे सारे के सारे ऐसे बन जाएंगे। और गाइस ये घूम रही अपने जो रानी हूँ चल कूद करती हुई घूम रही, वैसा भाई अभी अच्छे से खाना वाना तो खा नहीं रही, पारो वायरस उठी ना थोड़े बहुत दिन बाद पहले के जैसी तकड़ी हो जाएगी, थोड़ी पतली होगी, देखना भाई दोनों के दोनों कैसे मेरी गोद में घुस गए। और गाइस कोको वाले पप्पी को कमरे के अंदर सर्दी लगा, सोच रहा हूँ उनके नाम का यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाता हूँ, अभी तो सारे के सारे दूसरे कमरे में कर रखे, थोड़ी देर में यहाँ पे लाकर छोड़ दूंगा। तो गाइस हो गया घर बन के बिल्कुल रेडी, अब पप्पी को लेकर आता हूँ दूसरे कमरे में, सारे के सारे मजे से सो जाएंगे। आ जाओ भाई नन्हे मुन्नू, जल्दी आओ इस वाले कमरे में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो तेरे नाम को घर बनाया, रेड किंग तो जा लिया सीधा अपने घर में, ब्लैक किंग भी घुस गया सीधा अंदर ही जाकर बैठ गए। और गाइस थोड़ा छोटा इसलिए बनाया जिससे कि जी सर्दी कम लगे, समझ रहे हो, घर का लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया, दोनों साइड दीवार पे यहाँ भी कंबल लगा दिया, इस साइड भी कंबल लगा दिया, वरना भाई पहले ये वाली दीवार तो कवर होगी थी, ये वाली दीवार थोड़ी सी ठंडी रहेगी थी, अब इन्हें पूरी बढ़िया गर्माई मिलेगी, या मेरी गोद में घुसने को हो रही रेड क्वीन। और गाइस तीनों पप्पीज में ब्लैक किंग को ज्यादा पसंद आया घर, वो तो बाहर निकल ही नहीं रहा। और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग इन तीनों के साथ ही करता हूँ, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना। ठोक दीजिए।